गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग हैं नुब्रा वैली और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हमें निकलना है पैंगोंग लेक के लिए। और बहुत अच्छा वेदर है आज का, बिल्कुल ब्राइट सनी डे और मज़ा आने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं अपल कॉटेज जो कि नुब्रा वैली में है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो अपना फुल एंजॉय कीजिए वेकेशन, वाईफाई इंटरनेट वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी हैं और पूरा मस्त पैसा वसूल कॉटेज है। और लो जी ये ब्रेकफास्ट, समझ में ही नहीं आ रहा खाऊं क्या। हम लोग अटे कैंप पहुंच चुके हैं और ये हमारा कैंप है और मैं इसको अंदर से दिखाता हूं कि कैसा है। दिस इज द टेंट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड अटे कैंप है और ये जो कैंप है इसके जस्ट सामने पैंगोंग लेक है। तो अगर आपको अपने लिए भी कोई बुकिंग करनी है तो वर्ल्ड एटिक कैंप सबसे बेस्ट है। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक और जो कलर दिख रहे हैं ग्रे ग्रीन और डार्क सन, इतना ज्यादा
पे थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी, और इसी लोकेशन पे जहाँ पे थोड़ा सा जो लैंड है वो लेक के अंदर जाता है, जो आपको दिख रहा होगा वो वाला, ये वाला, और यहीं पे ही करीना स्कूटर से आमिर खान के पास आती है, मतलब रांची के पास आती है। आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको, तो आप लोग